बिहार में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1203 नए केसेस सामने आए हैं। इसी के साथ ही एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 13,687 हो चुकी है। बिहार की राजधानी पटना से अभी भी सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में पटना से 192, नालंदा से 85, मुजफ्फरपुर से 65, अररिया से 57 और पूर्णिया से 54 केसेस सामने आए हैं। बिहार में पिछले 24 घंटों में करीब 1,71,000 सैंपल्स की जांच हो चुकी है और 1,154 लोग ठीक भी हुए हैं। अगर हम बिहार के टोटल केसेस की बात करें तो वो संख्या करीब 1,74,000 हो चुकी है और बिहार में टोटल ठीक हुए लोगों की संख्या 1,59,700 हो चुकी है। बिहार में अभी तक टोटल 64 लाख से ज्यादा सैंपल्स की जांच हो चुकी है और मरने वाले लोगों की संख्या 878 है। एक अच्छी बात यह है कि बिहार की रिकवरी रेट जो कल तक 91.61% थी और आज वो बढ़कर 91.64% हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में भारत में 46,508 नए केसेस सामने आए हैं और कोरोना से 1,129 लोगों की मौत भी हुई है। एक अच्छी खबर ये है कि पिछले 24 घंटों में ठीक होने वाले लोगों की संख्या 87,374 हो चुकी है और इसके साथ ही लगातार छठे दिन के लिए नंबर ऑफ केसेस की संख्या रिकवरी से कम है। पूरे भारत में अभी 58 लाख से ज्यादा केसेस रजिस्टर हो चुके हैं और मरने वाले लोगों की संख्या 92,000 से ज्यादा हो चुकी है और 47 लाख से ज्यादा लोग भारत में ठीक हो चुके हैं। अगर हम बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो पटना में अभी तक टोटल केसेस करीब 26,000 आए हैं और 24,000 लोग ठीक हो चुके हैं। सिर्फ पटना में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या अभी तक 201 है। कल आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि हम आपको ये नहीं बता रहे कि लोगों के साथ असल में हो क्या रहा है, तो मैं इसीलिए आपको कुछ केसेस के बारे में बता देती हूँ। इंदौर में कोरोना से एक मरने वाले आदमी की लाश को चूहे कतर गए। जब उस इंसान की बॉडी उसके परिवार वालों को दी गई तब उन्होंने ये बात बताई कि उस इंसान की बॉडी को कुछ चूहे कतर के निकल चुके हैं। प्रशासन ने इस बात की कोई जानकारी नहीं दी थी। मेरठ में भी एक ऐसा केस आया था जिसमें कोरोना से मरे दो मरीजों की बॉडी को उनके परिवार को सौंपते टाइम चेंज कर दिया गया था। बिहार में भी ऐसे न जाने कितने केसेस आए थे जहां मरीजों को अस्पतालों में पूछने वाला कोई नहीं था। कितने केसेस ऐसे भी आए हैं कि मरीज अपना इलाज फर्श पर लेटे करा रहे थे। हाँ, ये बात है कि अब ऐसे केसेस नहीं आ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे केसेस आगे आए भी ना। इसी पे मैं आपको ये बता देती हूँ कि वो सरकार जिसने हमसे डॉक्टर्स और पुलिस वालों के लिए तालियां बजवाई थी उनके पास ये डेटा ही नहीं है कि उनके देश के कितने सारे डॉक्टर्स कोरोना की वजह से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इसी पर IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी नाराजगी जताते हुए ये बताया था कि 16 सितंबर के डेटा तक पूरे भारत में 2,238 डॉक्टर्स कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुके हैं और 382 डॉक्टर्स की जान भी जा चुकी है। IMA ने ये भी मांग की है कि इन 382 डॉक्टर्स को शहीदों का दर्जा दिया जाए। इस खबर में आपके लिए बस इतना है। कोरोना की नई अपडेट्स कल सुबह हमारा चैनल फिर आप तक पहुंचाएगा। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। स्क्रीन पर दिख रही डिटेल्स से आप हम तक डोनेशन पहुंचा सकते हैं। मैं हूं सौम्य राठी, कैमरे के पीछे है वरुण झा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।